मैं केजरीवाल जी को पूछना चाहता हूं, हम तो हमारे काम लेकर जाएंगे, मगर भैया केजरीवाल आपने क्या किया जरा हिसाब किताब बताइए। तो आपने कहा था 20 कॉलेज बनेगी, मैं दूरबीन लेकर ढूंढ रहा हूं, कॉलेज कहां गई मालूम नहीं पड़ती। अस्पताल बनाने की बात करी थी, अंत में एक मॉडल का फोटो दिल्ली वालों को देखा दिया, दिल्ली वालों को झांसा देना आप चाहते थे। तीनों नगर निगमों को 10,000 करोड़ रुपया की ग्रांट रोककर उनको फेल करने का षड्यंत्र किया, मगर मैं प्रशंसा करना चाहता हूं नगर निगम के हमारे भाइयों बहनों की, उन्होंने स्वच्छ दिल्ली का अभियान फिर भी अपने बूते पर चालू रखा है केजरीवाल का सहयोग न होने के बाद। युवा फ्री वाईफाई की राह देख रहे हैं, 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगने थे उसकी भी राह देखते हैं, अनुबंधित शिक्षक को पक्का करना था, अनुबंधित कर्मचारियों को पक्का करना था उसकी भी राह देख रहे हैं, प्रदूषण कम करने की जगह प्रदूषण आपने बढ़ा दिया, और हम जो देना चाहते थे उसमें भी आप रुकावट बने हो। केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता अब आपको जान गई। मित्रों, अभी अभी प्रधानमंत्री जी सीएए को लेकर आए, प्रधानमंत्री जी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को कैबिनेट के अंदर मंजूरी दी, लोकसभा ने पारित किया। केजरीवाल ने जनता को गुमराह कर कांग्रेस पार्टी ने, विशेषकर राहुल बाबा और प्रियंका वाड्रा ने जनता को गुमराह कर दंगे करवाने का काम किया है। मित्रों, दंगे करवाने का काम किया। मैं दिल्ली की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो दिल्ली में अपनी राजनीति के कारण दंगे कराए? और क्या बुराई है सीए? मैं आज सारे कार्यकर्ताओं को पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो दलित शरणार्थी आए, गरीब शरणार्थी आए, सिख शरणार्थी आए हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? और जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? 70 साल से महात्मा गांधी का वादा था, आपने पूरा नहीं किया, आप में हिम्मत नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। आप देश की माइनॉरिटी को भड़का रहे हो कि आपकी नागरिकता चली जाएगी। मैं माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, सीएए से किसी भी देश की माइनॉरिटी नागरिक की नागरिकता जा ही नहीं सकती, क्योंकि सीएए में नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं। मगर एक चर्चा बहुत चल रही है कि भई ये चुनाव 3 महीने की सरकार वाला चुनाव है या 60 महीने की सरकार वाला चुनाव। और मित्रों, चुनाव 60 महीने की सरकार वाला लड़ना चाहिए। मैं दिल्ली की जनता को भी कहता हूं, 60 महीने पहले आपने एक सरकार चुन ली आप पार्टी की, उसके पहले 10-15 साल तक कांग्रेस पार्टी की, इन्होंने क्या किया जरा हिसाब मांगे उनसे। अभी अभी जनता के कल्याण के सारे पैसे अखबारों में एडवर्टाइज में देख रहे हैं, श्रीमान केजरीवाल का बड़ा बड़ा फोटो हम देख रहे हैं, ये शुरू कर दिया, वो शुरू कर दिया, ये कर दिया, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। भैया, 5 साल हुए, समाप्त क्या किया वो तो बताओ जरा। अब 5 साल के बाद शुरू कर रहे हो, आपको भी मालूम है समाप्त नहीं करना है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं, 5 साल से सरकार चली, उसने क्या किया ये आपको हिसाब मांगना चाहिए केजरीवाल से। अभी ये जो कह रहे हैं वो सारी चीजें उनको भी मालूम है पूरी नहीं करनी है, इसलिए कह रहे हैं।